अच्छा, हमने कल डिज़ाइन करना शुरू किया था, एक वेबसाइट हम बना रहे थे, तो उसको हम आज दोबारा शुरू करते हैं। NPM स्टार्ट से प्रोजेक्ट सर्वर हमने स्टार्ट कर लिया। ये नैपबार बन गया था, फोटर बन गया था, और ये सेक्शन हमने बना लिया था। अब इससे नीचे हमारे पास जो है वो ये वाला एक पेज था, और ये कुछ साइड पे चीज़ें आ रही हैं, वो हैं। तो मैं सिंपली उस सारी चीज़ों को कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल होम के अंदर। इसको हम ब्लॉक सेक्शन बोल देते हैं, ब्लॉक सेक्शन। और इसमें हम एक नई फाइल बनाएंगे, ब्लॉक सेक्शन डॉट जेएस। एक कंपोनेंट बना लेते हैं ब्लॉक सेक्शन के नाम से, और वो सारा कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ जो भी मैंने वहाँ से कॉपी किया है। डेफिनेटली अभी हमने इस सेक्शन में बहुत सारे रीयूजेबल कंपोनेंट भी बनाने हैं, लेकिन अभी उसको एक दफ़ा चला लेते हैं। जो तो टैग बंद नहीं है, हम टैग को बंद करेंगे और क्लास को क्लास नेम भी सेट करना है। यहाँ से IMG को फाइंड करते जाते हैं और उनके उनको क्लोज कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टाइम लगेगा। खैर चलो, अभी लगे हैं तो करते हैं, ताकि थोड़ा बहुत चल जाए ना, तो फिर एडजस्ट करते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद भी कुछ एरर यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। ये ख़त्म हो गए हैं सारे एरर। इनपुट का टैग भी क्लोज नहीं है। एक यहाँ से आ रहा है कोई एरर। कौन से में रह गया? तो ये कमेंट भी हमें चेंज करना पड़ता है ना, स्ट्रीमर नहीं है। अरे ये सारा हमने सेट कर लिया है ब्लॉक सेक्शन, तो अब इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो इस ब्लॉक सेक्शन को कहाँ पे चलाएंगे? होम पेज के अंदर। हाँ, क्लास नेम कर लेते हैं, क्लास को क्लास नेम सेट कर दिया हमने। और इसको हम चला देंगे हीरो सेक्शन के नीचे, ब्लॉग सेक्शन, और वो इंपोर्ट होके चल जाएगा। तो हमारे पास इंजिस के अलावा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ रही हैं, सही है। और कुछ ये डिज़ाइन वगैरह ख़राब हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो काम कर रही हैं। अब हम एडजस्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आप ये देखो कि हमें ये वाला जो कार्ड है वो कितनी दफ़ा कॉपी पेस्ट करना पड़ा है ना। ये इतना ज़्यादा कोड जो है इसके अंदर, ये सारा उस कार्ड की वजह से, कॉपी पेस्ट की वजह से है। तो अगर हमें ये एक इसका एक अलहदा से कार्ड बनाना चाहिए ना, रेदर देन के इसको हम कॉपी पेस्ट करें बार बार। तो हम क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं एक कार्ड को, और वो देखते हैं वो कहाँ से शुरू हो रहा है। ये लेटेस्ट ब्लॉक पोस्ट के नीचे ब्लॉक कॉर्ड, ये मेरे ख्याल से ब्लॉक कॉर्ड यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक, और फिर दोबारा ये देखो सेम ब्लॉक कॉर्ड शुरू होके यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो हम इस बार बार जो रिपीट हो रहा है ब्लॉक कॉर्ड, इसका कोड उठा लेते हैं, और इसको उठा के हम एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, क्योंकि ये कोड रिपीट हो रहा है ना।
तो इसको हम एक कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट बनाते हैं कार्ड का, सही है। और उसके अंदर हम एक बना लेते हैं कार्ड डॉट जेएस, और उसके अंदर एक हम कंपोनेंट बना के वो सारी की सारी एचटीएमएल इधर रिटर्न कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें हम इमेज का पाथ चेंज कर लेते हैं। वो हमने कैसे किया था कल, रिक्वायर लगा के, और यहाँ से इसको हमने बंद करके पल्ली बेसिस बंद कर ली थी, और इसके पाथ में दो पीछे जाके फिर ये आ गया था, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, ये इमेज सेट हो गई हमारे पास। देन एक और इमेज थी, इसमें भी हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस रिक्वायर, और इसको हम क्लोज करके कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे, और पाथ हमारा ये बन रहा था, ऐसे ही है। अच्छा जी, ये भी एडजस्ट हो गया। उसके बाद ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एडजस्ट हो गई हैं। तो अब जहाँ जहाँ पे ये ब्लॉग आ रहा था वहाँ वहाँ पे हम क्या करते हैं, कार्ड को कॉल कर देते हैं। तो कार्ड मैंने यहाँ पे कार्ड कॉल कर लिए, तो इसको हम सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे जो है वो ब्लॉग सेक्शन में, अब ये भी एक कार्ड है, हम पहले देख लें इसकी आउटपुट आई है। अब पिक्चर भी आ गई है, और दोनों पिक्चरें भी आ गई हैं, और आउटपुट भी इसकी अब ठीक हो गई है। तो अब सिंपली हम क्या करते हैं, ये वाला कार्ड ख़त्म करके इसकी जगह पे इसी कार्ड को क्या कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये आ गया। अब लेकिन डेफिनेटली कंटेंट इसका सेम नहीं है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये भी अब एक ब्लॉक कार्ड है, तो इसको भी हम सिंपली क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, और इसको एक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब पूरे कोड की जगह पे समझ आ रही है, सिर्फ एक कार्ड कॉपी करना पड़ रहा है, एक कंपोनेंट रिकॉल करना पड़ रहा है। टेक्निकली तो ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका भी हम अभी सोल्यूशन सोचेंगे। ये भी इतने अगर 10 दफ़ा तो 10 दफ़ा यही कंपोनेंट कॉल करेंगे, तो इसका भी कोई अच्छा सोल्यूशन होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हमने यही सोल्यूशन ढूंढा, तो इसी सोल्यूशन को हम डाल देंगे इधर। तो अब जितनी दफ़ा भी ब्लॉक कार्ड था उतनी दफ़ा वो ये वाला कार्ड लगा देंगे, उतनी दफ़ा हम ये वाला कार्ड डिलीट करके हम कार्ड लगा देंगे। लेकिन डाटा भी अभी अपडेट करना है, डाटा अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हैं, प्रॉप पास करेंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं कैसे पास करेंगे। अच्छा, अभी के लिए हमने ये सारे ब्लॉक कॉड डिलीट करके हमने कार्ड लगा दिए हैं, तो इधर सारी जगह पे सेम ही आ रहे हैं अभी। उसकी रीज़न क्या है, हमने कॉपी पेस्ट किया है, वो सारा डाटा ऐसे ही आ रहा है। तो अब खैर, ये डुप्लीकेट कोड ख़त्म हो के कोड ठीक हो गया। अच्छा, टेक्निकली तो ये वाला भी नाम वगैरह भी हमें सेपरेट बना लेना चाहिए, इसका जो ऑथर की डिटेल है ना, हो सकता है इस तरह का कहीं और नज़र आ जाए। लेकिन अभी मुझे कहीं और नज़र नहीं आ रहा, तो ये एक ही कार्ड में भी चल जाएगा। लेकिन अगर कहीं और नज़र आ रहा होता, तो इसका भी हम एक सेपरेट कंपोनेंट बना सकते थे। तो अभी वो नज़र नहीं आ रहा, तो वो हम ऐसे भी चलने देंगे। अच्छा, अब हमारा जो चैलेंज है वो ये है कि यार, ये जो एक तो ये सारे एक जैसे आ रहे हैं, ये नहीं आने चाहिए, तो हम इसमें से वो सारा रिकॉर्ड जो है वो निकालेंगे। और दूसरा ये है कि ये सारे जो है ना, वो इतने सारे कार्ड कार्ड कॉल हो गए हैं, इसका भी कुछ सोल्यूशन हमें मिलना चाहिए ना, अच्छे वाला जो हम यूज़ कर सकें, तो उसके ऊपर हमें आना है। तो ये इतने, यानी कि हमें डाटा ये सारा फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके ये काम बनेगा। तो ऐसा करने के लिए हमारी जो दूसरा कोड है ना, ये वाला, इसके अंदर ये सारे कार्ड हैं, ऐसे ही है ना। तो हम डाटा बनाने के लिए हम इसमें से यूज़ करेंगे चीज़ें, जो हमारे पास ये डाटा है इसका सेटअप। तो इसमें डाटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना एक, अगर चूंकि अब हर चीज़ की प्रॉप पास करेंगे तो हमारे लिए टेक्निकल हो जाएगा। जैसे ये टाइटल है,
इसकी भी प्रॉप पास करनी है, ये डिस्क्रिप्शन है, इसकी भी प्रॉप पास करनी है, ऑथर की इमेज, ऑथर का नाम, उसकी डेट, उसकी ये कवर इमेज, तो ये सारी चीज़ें जब हम पास करेंगे तो हमारे लिए कम्प्लेक्स हो जाएगा। एक लहदा लहदा प्रॉप्स में वे कितने प्रॉप्स बन जाएंगे। लाइक अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो कार्ड को हमने कार्ड इमेज भी पास करनी है, ऐसे ही है उसका पाथ, उसके बाद टाइटल पास करना है, फिर डिस्क्रिप्शन पास करनी है, तो वो बड़ा अजीब सा हो जाएगा ना, इतने ज़्यादा प्रॉप्स जा रहे हैं। तो हम कहते हैं ज़्यादातर ये ऐसा अगर मामला होना तो हम क्या करें, हम कार्ड के अगेंस्ट एक डाटा का प्रॉप पास कर दें, सही है, और उसके आगे हम पूरा ऑब्जेक्ट बना दें। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या रखें, की पेयर वैल्यूज रख दें, जैसे हम उसमें की पेयर वैल्यू क्या रख दें कि इमेज ये है, टॉपिक ये है, टाइटल ये है और टेक्स्ट ये है, समझ आ गई। वो सारी चीज़ें हमने सेपरेट सेपरेट एक ही उसमें डाल दी। देखो पूरा ऑब्जेक्ट भी एज अ प्रॉप पास किया जा सकता है ना, तो रहते थे हम सेपरेटली सेपरेटली करें तो हम इस तरह से मैनेज कर लेंगे। अब दूसरे पे जाएंगे तो दूसरे में भी फिर क्या करना पड़ेगा, डाटा का ऑब्जेक्ट बना के उसमें उसकी भी सारी की सारी जो है वो सेट करनी पड़ेंगी। अब तीसरे में जाएंगे तो उसमें भी सेम हो गया, चौथे में जाएंगे तो उसमें भी सेम हो जाएगा, इमेज, टॉपिक, टाइटल और टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें जा रही हैं। तो खैर इसको अगर हम शो करते हैं कार्ड के अंदर, तो हम जहाँ जहाँ पे प्रॉप्स मिल जाएंगे मुझे, प्रॉप्स में कौन सी प्रॉप आएगी, डेटा की आएगी ना, तो ये इमेज की जगह पे हमें यहाँ पे प्रॉप आ जाएगी, और वो क्या है, डेटा डॉट प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट, इसका नाम क्या रखा था हमने, आई एम जी रखा था, तो आई एम जी आ गया। अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं कि इनका भी डाटा बना लेते हैं ऐसे, अच्छा जी उसके बाद इसका भी बना लेते हैं, सबका बनाना पड़ेगा, तो हम सबका बना ही जाते हैं, प्रॉप पास कर देते हैं डाटा का, और उसमें जो है वो सबका डाटा बन जाएगा। चलो वो हम डाटा को ठीक कर लेंगे। खैर अब बात समझ आ गई ना, सारी प्रॉप पास करनी है हमें, और उन प्रॉप पे हम लगा देंगे कंडीशन कि अगर डाटा आ रहा है, ये नल पॉइंटर होता है, अगर उसको मिलेगा तो फिर शो कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इमेज पीछे से आ जाएगी, ये इसका नाम हमने क्या रखा था, अगर हमें HTML में जावास्क्रिप्ट प्रिंट करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रॉप्स डॉट डाटा डॉट डॉटा डॉट, क्या इसका नाम हमने रखा था, टॉपिक, तो ये टॉपिक आ जाएगा, और इसको उसने क्या बोला, टाइटल, तो प्रॉप्स डॉट डाटा डॉट टाइटल, और इसको क्या बोला है, प्रॉप्स डॉट डाटा डॉट टेक्स्ट। तो अब अगर हम देखें तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो शो होने लगे हैं। ये वाले क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हमने इनको प्रॉप पास नहीं किए, तो इनको भी प्रॉप पास अगर कर दें तो उनका भी डाटा हमारे पास शो हो जाएगा। जैसे डाटा की प्रॉप के अंदर ये AI जो है वो जनरेट कर देगा सारी चीज़ें, तो वो हम प्रिंट कर देंगे इधर, तो सेम थिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। ये तो वो है ना, को पायलट है जो पेड है, तो इसलिए ऑटो आ रहा है, तो लेकिन ये सारा डाटा हमारे पास फंक्शनल हो गया, लेकिन इसने ये नहीं चेंज किया ना ऑथर इसमें, लेकिन इसमें भी ऑथर सेम ही है ना जो हमारे पास है, इसलिए डेट चेंज है, नहीं डेट भी सेम, नहीं डेट चेंज है, वो प्रॉप ले सकते हैं, बाकी मिनट भी चेंज है ना। अच्छा लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसे सारे कंपोनेंट को ऐसे डाटा पास कर रहे हैं, ये भी तो रिपीट ही काम लग रहा है ना, तो ये भी काम सही नहीं है। असल काम क्या होना चाहिए, असल काम ये होना चाहिए कि हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएं नया, उसको बोलें कांस्टेंट,
कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जो ये डाटा है हमारा, जितने भी ब्लॉग हैं ये क्या है, ये कांस्टेंट डाटा है। तो हम इसमें फाइल बनाएंगे मे बी blogs.js। अब हमने छोटा रखा है इसको बी को, क्योंकि इसमें रिएक्ट का कंपोनेंट नहीं आएगा। तो इसमें हम रखेंगे कांस्टेंट ब्लॉग्स डेटा। अच्छा, इसमें रे होगी और उसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा और उसके अंदर सारा ब्लॉग का डाटा आएगा। अब ये ब्लॉग का डाटा, यानी कि हम हमारे पास एक से ज़्यादा ब्लॉग है ना, तो हम इसकी अरे बना लें और हर अरे पे एक ब्लॉग का डाटा रखते जाएं, जो भी डिटेल है तो वो बन सकती है ना बाद। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर जो हमारे पास ये कोड है इसमें से वो सारी चीज़ें जो हैं वो लेनी पड़ेंगी। तो हम एक वाले के अंदर लेके देखते हैं क्या बनता है। तो एक ब्लॉग कार्ड को हम उठाते हैं, इसकी जैसे इमेज है तो इसकी इमेज को हम उठाते हैं। तो यहाँ पे हम आके मे बी उसका नाम रखते हैं कार्ट इमेज, और उसमें हम रिक्वायर का फंक्शन यूज़ करके कार्ट की इमेज डाल देते हैं। अच्छा, टॉपिक डाल देते हैं, टाइटल डाल देते हैं, टेक्स्ट डाल देते हैं। इसका ऑथर का भी एक फर्दर ऑब्जेक्ट बना लेना चाहिए, क्योंकि इसकी मल्टीपल चीज़ें इसके रिलेटेड है ना, उसका नेम, उसकी इमेज और डेट और टाइम। ठीक है, वो सारी डिटेल डाटा जो है उसको उसने उसको सिंक कर लिया है। अच्छा, अब ये एक कार्ड को वो शो कर रहा है ना, इसी तरह अगर हमने दूसरा कार्ड बनाना हो तो दूसरे कार्ड का वो शो कर देगा। इसको वैसे असल डाटा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे डाटा है, चूँकि ये AI है तो वो डिडक्ट कर लेगा ना। तो अगर हम इसको नीचे पेस्ट करते हैं, तो अब वो उधर से अंडरस्टैंड कर लेगा कि नीचे क्या लिखा हुआ है ना, उसमें से रीड कर लेगा डाटा। तो अब यहाँ से आगे मैं या ChatGPT को भी बोल सकते हैं कि ये एक मैं ब्लॉग का डाटा बनाना चाह रहा हूँ, इस HTML में से ये रीड करके दो मुझे। तो जैसे हमारे पर HTML तो पड़ी है ना, यहाँ पे ये सारी HTML देते हैं ChatGPT को, कहते हैं कि ऐसा जो है ना वो हमें डाटा बना के दो, प्लीज़ क्रिएट द डेटा व्हाट आई शेयर्ड बिलो फ्रॉम अबव HTML। उसको मैंने सारा डाटा दे दिया है, वो क्रिएट कर रहे हैं, क्या ख्याल है? तो खुद से करते तो बेहतर है कि वो सारा सेटअप कर देगा। अब पहले वो 3 मिनट 3 मिनट आ रहा था ना, 4 मिनट वाला भी एक्यूरेट डाटा आ रहा है जो उस HTML में है। थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए ना बंदे को। तो ये सारा डाटा बन गया, इसको कॉपी करेंगे और सिंपली यहाँ से सारा कुछ ला के इसको रिप्लेस कर देंगे। हमने वो सारा डाटा क्रिएट कर लिया जो उस HTML में है और वो इस अरे के अंदर पड़ा है, सही है। तो इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना किसी भी वेरिएबल को, सिंपल एक्सपोर्ट मैंने इस डाटा को यहाँ से कर दिया। इसको मैंने कांस्टेंट में रखा है क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, चेंज नहीं होगा ये डाटा। अच्छा, अब ब्लॉग सेक्शन में जाएंगे। अब ये यहाँ पे सारे के सारे कार्ड पड़े हैं। अब मैं चाह रहा हूँ यार ये कार्ड वाला डाटा रिप्लीट ना करें, ये सारा चीज़ें ना, ये क्यों, ये बहुत लंबा हैवी काम हो रहा है, ये काम ठीक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस सारे काम को यहाँ से ख़त्म करते हैं और एक कार्ड रहने देते हैं बस। हमें अगर एक ही डाटा को बार बार रिपीट करना हो तो हमें जावास्क्रिप्ट का एक टूल आता है, उसको क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं ना। लूप क्या करते हैं, एक ही कोड को रिपीट कर सकते हैं,
अच्छा, HTML में हम जावास्क्रिप्ट चला सकते हैं, लेकिन इस ये जो HTML है इसको क्या बोलते हैं, JSX ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम HTML लिख रहे हैं। JSX में हम सारी जावास्क्रिप्ट नहीं चला सकते। जैसे हम JSX के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लगा तो लिखते हैं, लेकिन हर जैसे हम फॉर लूप नहीं चला सकते JSX में, हम इफ़ कंडीशन नहीं चला सकते JSX में, इफ कंडीशन की जगह टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। एक ही लूप सिर्फ JSX सपोर्ट करते हैं, उसको मैप लूप बोलते हैं। लाइक अगर यहाँ पे मैंने ये HTML है ना, तो किसी भी जगह पे जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो हम क्या लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस। लेकिन इस कर्ली ब्रेसेस का ये मतलब नहीं है कि मैं इधर फॉर लूप चला दूँ ना, ऐसे वो सपोर्टेड नहीं है, समझ रहे हो। यानी कि जावा HTML के अंदर जो हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, इसमें कुछ लिमिटेड चीज़ों की सपोर्ट है, सारी चीज़ों की सपोर्ट नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों की सपोर्ट है। वो जब हम काम करेंगे तो आईडी, एक तो आपने सपोर्ट देखी है कि हमारे पास ऊपर कोई वेरिएबल हो तो हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, कैसे, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, ऐसे ही है ना, वो उसकी वैल्यू को क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है, ये काम सीखा है ना हमने। लेकिन और इसके अलावा हम यहाँ पे लूप चला सकते हैं, और एक ही लूप इसमें सपोर्टेड है, उसको हम मैप लूप बोलते हैं। क्या लूप बोलते हैं? मैप का लूप। जो मैप लूप हमने पढ़ा था ना, वो क्या करता है, इनपुट हमसे लेता है एक अरे, और एक अरे ही हमें उतने साइज की रिटर्न कर देता है, यही करता है ना मैप लूप। मैप लूप हम इसमें चला सकते हैं। अगर हमने कंडीशन चलानी हो तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते हैं, जैसे 2 > 5 अगर हो तो तुम ये काम करो, ठीक है, अगर ना हो तो तुम ये काम करो, तो ये एक कंडीशन लग सकती है जिसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो इफ कंडीशन JSX में सपोर्टेड नहीं है, JSX में सिर्फ जो है टर्नरी ऑपरेटर सपोर्टेड है। जब भी कंडीशन लगानी है तो टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कौन सा लूप सपोर्टेड है? मैप लूप। और उसके अलावा हम किसी भी वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं, उसका तो हमें पता, कर्ली ब्रेसेस वेरिएबल का नाम लिखें तो वो प्रिंट हो जाता है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं JSX के अंदर, JS के अंदर हम ऑन क्लिक वगैरह पे फंक्शन जो है वो चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, और मतलब जो ज़रूरी ज़रूरी काम है वो सारे होते हैं, लेकिन सारी जावास्क्रिप्ट की सपोर्ट नहीं है। मतलब हम यहाँ पे कोई अरे नहीं बना सकते JSX के अंदर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जब ये रिटर्न शुरू हो जाए, इस रिटर्न से ऊपर तो जावास्क्रिप्ट है ना, जो मर्जी लिख दें, या इस वाले फंक्शन के बाहर भी जो मर्जी लिख दें तो जावास्क्रिप्ट है। यानी इधर हम इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ HTML शुरू हो गई, HTML के अंदर जब हम कर्ली ब्रेसेस लगा के जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, उस कर्ली ब्रेसेस वाली जावास्क्रिप्ट में सारी चीज़ें सपोर्टेड नहीं है, नहीं कर सकते वो भी, वो फिर वो मेन HTML फाइल में करेंगे, लेकिन वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे करने की। आपको बात समझ आई? इस रिटर्न फाइल से ऊपर मैं यहाँ पे कोई अरे बनाना चाहूँ बना सकता हूँ, कोई फॉर लूप चलाना चाहूँ चला सकता हूँ, कोई आप और भी कोई इफ कंडीशन लगाना चाहूँ तो लग सकती है। इस रिटर्न से पहले पहले सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके बाद नहीं हो सकता। यानी कि जहाँ रिटर्न शुरू हो गया, जिधर HTML शुरू कर दी, अब इसके अंदर आपने कोई जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो कर्ली ब्रेसेस से लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर हम चीज़ें नहीं लगा सकते सारी। अगर आपने कोई जावास्क्रिप्ट का ऐसा टूल यूज़ करना है जो कर्ली ब्रेसेस पे नहीं हो रहा, तो आप उसको रिटर्न से ऊपर यूज़ कर लो। रिटर्न के अंदर जहाँ HTML है वहाँ पे आप लिमिटेड जावास्क्रिप्ट चला सकते हो, लिमिटेड कितनी कंडीशन लगा सकते हो, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर सपोर्टेड है, इफ कंडीशन सपोर्टेड नहीं है, स्विच स्टेटमेंट सपोर्टेड नहीं है, इफ एल्स इफ सपोर्टेड नहीं है, सिर्फ टर्नरी ऑपरेटर सपोर्टेड है। वहाँ पे आप लूप चला सकते हो, लेकिन एक ही लूप सपोर्टेड है, दैट इज कॉल्ड मैप लूप। वहाँ पे आप मतलब इनपुट से डाटा रीड कर सकते हो, ऑन क्लिक ऑन चेंज चल सकते हैं, वो सपोर्टेड है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें सपोर्टेड हैं जावास्क्रिप्ट की, सारी चीज़ें सपोर्टेड नहीं है, ये लिमिटेशंस हैं कुछ इसके अंदर, ठीक है। तो लेकिन लूप सपोर्टेड है, हम पहले लूप को देख लेते हैं कि लूप कैसे लगता है ना। अच्छा, लूप लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे मैं पहले आपको यहाँ पे कंडीशन लगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट।
हम ना यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं JSX में, तो जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस। अब मैं कहता हूँ कि 2 > 5, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है ना, तो ट्रू। ये टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है, क्वेश्चन मार्क फिर टर्नरी और उससे पहले कुछ चीज़ें ला सकते हैं और उससे बाद। तो उससे पहले मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट ब्लॉक पोस्ट, अगर कंडीशन ट्रू गया तो ये आए, नहीं तो मैं बोल देता हूँ कंडीशन इज फॉल्स शो करने के लिए ना, तो मैं इसको बोल देता हूँ कंडीशन फॉल्स। अच्छा अब मैं जैसे इधर आऊँगा, ये हमने इधर डिफाइन किया ना, ये नहीं करना था। अब अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब यानी कि मैंने H2 के अंदर जो कंटेंट था ना उस पर कंडीशन लगा दी है, और कंडीशन क्या है, टू। अब मैं अगर इसको ट्रू कर देता हूँ 10 > 5, कंडीशन ठीक है ना, तो अब क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। कंडीशन कर पा रहे हैं लेकिन सारी इफ कंडीशन नहीं लगाई मैंने, कौन सी लगाई है, टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि JSX है। आप इफ कंडीशन से करना चाहते हो फिर भी कर सकते हो, कैसे, हम कह दें मे बी वेरिएबल लेट H2 उसकी वैल्यू डाल दी मैंने लेटेस्ट, हम बोलते हैं इफ अगर ग्रेटर देन जो है वो 10 से 5 है तो H2 को क्या कर दो, लेटेस्ट ये अगर 10 > 5 है तो इसको कर दो कंडीशन ट्रू। अब ये वाली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, तो ये क्या करेगा, H2 वेरिएबल को क्या सेट कर देगी, ये कंडीशन ट्रू। तो अगर मैं अब मैंने इफ लगाई है ना, तो अब मैंने अगर टर्नरी ऑपरेटर नहीं यूज करना था तो मैंने ऊपर इफ लगा ली और उसको यहाँ पे आगे कर्ली ब्रेसेस में जस्ट वेरिएबल प्रिंट कर लिया। अब कंडीशन का फैसला हो रहा है रिटर्न से ऊपर और इसमें आगे कंडीशन ट्रू इधर लिखा गया, अगर हम इस कंडीशन को गलत कर दें तो फिर लेटेस्ट ब्लॉक, वो तो डिफॉल्ट में जो आ रही है वही आ जाएगी, ये कंडीशन ठीक नहीं होगी तो ब्लॉक नहीं वर्क करेगा। बात समझ आ रही है ना, अगर इफ कंडीशन लगाना बहुत जरूरी है तो उसको रिटर्न से ऊपर लगा लें, नहीं तो फिर क्या करें, टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे न्यू ब्लॉक्स आ गया, ठीक है, कंडीशनल रेंडरिंग कर दें। तो अगर आपने वहीं पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो फिर हम टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लेंगे, अगर इफ लगाना जरूरी है या इफ एल्स इफ या स्विच तो फिर हम कोई वेरिएबल बना के उसका जवाब उसमें रख लेंगे, वो सारा लॉजिक वगैरह कैलकुलेट करके वो फिर नीचे शो कर देंगे वेरिएबल के अंदर। कंसेप्ट बन रहे हैं ना कि क्या मैं कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपकी लॉजिक बने। अच्छा अब था कि मैंने जो है ना वो लूप चलाना है, लूप क्यों चलाना है, क्योंकि मेरे पास एक से ज़्यादा कार्ड का डाटा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कर्ली ब्रेसेस लगा लेता हूँ, मैं लिखता हूँ ब्लॉग्स, मैंने कांस्टेंट में से ब्लॉग्स के अंदर से ब्लॉग्स डाटा जो है ना इंपोर्ट कर लिया है। कर्ली ब्रेसेस लगा के क्यों किया है, क्योंकि सिंपल मैंने एक्सपोर्ट किया था, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया था। अच्छा इस ब्लॉग डाटा को अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे रिटर्न से ऊपर लॉग लगा के मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, तो इसमें क्या आएगा मेरे पास, एरर आएगा, एरर क्यों आएगा, क्या कह रहा है, यू माइट बी टेम्प्ट टू व्हिच आर आउटसाइड ऑफ प्रोजेक्ट सोर्स डायरेक्टरी, सोर्स डायरेक्टरी के अंदर ही तो है। अच्छा ये मैंने गलत कर दिया ना पाथ, इधर से तो कांस्टेंट से बाहर आके एसेट था और वो सारी चीजें, तो एक एक जो है ना वो रिमूव करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि अभी इसका पाथ जो है यहाँ पे डिफरेंट है। अच्छा जी
अच्छा जी, अब एरर चला गया, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल पे जाएंगे और ब्लॉक डाटा के अंदर एरे आ गई और उसमें सारी डिटेल आ रही है, ऑथर, कार्ड, इमेज, वो सारी जो है ना वो डिटेल है आ गई है ऐसे ही। तो ये एक एरे है, हमें पता है कि जो मैप है, मैप वो किस पे चलता है? अरे पे चलता है। कैसे चलता है? अरे का नाम डॉट मैप, ऐसे ही है। अच्छा, अब वो दो चीजें हमें रिटर्न करता है, यही करता है ना, क्या क्या चीजें? अच्छा, एक हमें वैल्यू रिटर्न कर देता है आइटम, और दूसरा इंडेक्स रिटर्न कर देता है। तो आइटम और इंडेक्स दो चीजें रिटर्न हो गई। अच्छा, इसके रिटर्न में ना हम अपनी मर्जी से कुछ भी उसकी शेप बदल सकते हैं ना डाटा की, यानी कि जो रिटर्न करना चाहें हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से जो रिटर्न करना था वो है ये वाला कार्ड, अच्छा हमने डाटा में आइटम पास कर दिया और आएगा ना रिटर्न, क्योंकि मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए हैं। एरो फंक्शन अगर सेम लाइन में हो तो फिर विदाउट रिटर्न करता है ना, तो अगर कर्ली ब्रेसेस लगा दिया तो रिटर्न लगाना पड़ता है। तो मैंने ब्लॉक्स डाटा को लूप कर दिया है, मैंने कहा कि तुमने कब तक चीज़ें कब तक चलना है, जितने इसके अंदर एलिमेंट होंगे, हर दफ़ा चलने पर क्या रिटर्न करना है तुमने, और दूसरे में। अच्छा, कार्ड ये की क्या कहती है कि चूँकि ये एक से ज़्यादा कार्ड होंगे ना, तो सम टाइम जब वो लूप चलता है ना वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये सेम कार्ड है या डिफरेंट कार्ड है। तो हम की के अंदर उसकी वैल्यू पास करते हैं इंडेक्स की, लाइक ये जीरो नंबर वाला कार्ड है, ये वन वाला, टू वाला, ताकि वो कन्फ्यूज़ ना हो। तो की रिक्वायर्ड है, वो हमें देनी होती है। साथ में डाटा का प्रॉप, ये कार्ड को मैंने दो प्रॉप पास किए हैं, एक की और दूसरा डाटा। डाटा के अंदर क्या पास किया है? पूरे का पूरा आइटम। तो पूरी आइटम क्या है? ये पूरा, यानी कि सारी डिटेल उसकी आइटम है। तो ये हम अगर कॉल करते हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो ये सारे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो आगे हैं। हाँ, पूरा ऑब्जेक्ट क्या है ना, तो अब अगर आप यहाँ कार्ड में जाके देखो तो मुझे प्रॉप्स डॉट डाटा में पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा था, मैंने डॉट डॉट इमेज कही है तो मुझे इमेज मिली है, लेकिन इसका नाम इमेज का चेंज है जो हमने डाटा में रखा है, इसलिए इमेज शो नहीं हो रही। क्या नाम रखा था हमने? कार्ड इमेज। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने की का नाम क्या यूज़ किया है? IMG। तो इसको हम क्या कर देंगे? कार्ड इमेज। तो अब देखें ना, कार्ड की इमेजेस भी सारी आ गई हैं। तो अब सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं ना, जो जो हमें चाहिए थी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है, वो जो हमें चेंज करनी है, एक तो ऑथर की इमेज, ऑथर की डिटेल हमने यानी डायनेमिक नहीं की, तो ऑथर की डिटेल मुझे किस में आ रही है? ऑथर की डिटेल मुझे आ रही है प्रॉप्स डॉट डाटा डॉट प्रॉप्स डॉट डाटा डॉट ऑथर, और उसके अंदर क्या है उसकी नेम, इमेज और डेट और टाइम। तो यहाँ पे उसकी क्या आनी है? इमेज। इधर क्या आना है? तो प्रॉप्स डॉट डाटा डॉट ये पता है ना, मैं जो क्वेश्चन मार्क यूज कर रहा हूँ इसका क्या मतलब है? अगर है तो आ जाएगा, नहीं तो एरर नहीं आएगा। अच्छा, 3 मिनट्स का भी हमारे पास है था, इसकी क्या है? प्रॉप्स डॉट डाटा डॉट ऑथर की डिटेल और उसमें जाके टाइम। अब देखें, अब डेट जो है वो बदल गई है और टाइम भी बदल गया हर एक कार्ड का। तो अब एक ही जगह में हमने कार्ड लगाया, यहाँ पे देखें, यानी एक ही कार्ड लगाया और उसको हमने क्या कर दिया? लूप कर दिया मल्टीपल टाइम, सही है।
इसकी बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब देखें, यहाँ पे हमारे पास ये आइटम, ये ब्लॉक डाटा एक अरे है। एक अरे के अंदर हमारे पास, अगर आप डाटा देखो ना, उसमें क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक आइटम जो है ना, वो ये इसे एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। उसमें ये सारी कीज हैं और एक और आथर का ऑब्जेक्ट है। तो जब ये यहाँ पे ब्लॉक डाटा पे लूप चलेगा, तो फर्स्ट टाइम चलेगा, तो ये आइटम में क्या देगा मुझे? पहला ऑब्जेक्ट पूरा, उसमें सारी कीज, सारी चीजें शामिल हैं। तो मैं उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को डाटा के अंदर पास कर दिए। पहले भी तो ऐसे ही कर रहे थे हम, जब हमने केले केले सब पे ऑब्जेक्ट पास किया था, डाटा पे पूरा पूरा ऑब्जेक्ट ही पास किया था, तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट मैंने आगे पास कर दिया ऐसे। अब इसके अंदर अगर हम जाएं तो कार्ड में, अब प्रॉप के अंदर डाटा की प्रॉप आ रही है, उसमें हमें कार्ड की इमेज मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक एक दफा जब वो कार्ड चलेगा, तो एक दफा डाटा आएगा ना उसका, दूसरी दफा चलेगा तो दूसरा डाटा आएगा। जब लूप जितनी दफा चलेगा, हर दफा नया नया डाटा लेके आएगा, वो दोबारा दोबारा उसको चलेगा और वो मैप के अंदर लिस्टिंग जो है वो परफॉर्म करेगा। वो तो मैप का फंक्शन यही करता है ना। लूप के अंदर हमें थोड़ी बताना पड़ता है कहाँ से चलना है, कहाँ खत्म होना है। वो मैप कब तक चलता है? जितने रे में एलिमेंट होते हैं, तो जितने एलिमेंट है उतनी दफा चलेगा और वो उतने आइटम डिस्प्ले कर देगा। यूज नहीं है वो, अगर ये नहीं लगाएंगे तो वो एरर देता है रिएक्ट ना, कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा कार्ड वो जब चलाता है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाता है समटाइम। बाकी सारा डाटा भी सेम होता है कि वो डाटा डिफरेंट कार्ड है या सेम कार्ड है, तो इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए की को हमें इंडेक्स पास करना पड़ता है। कोई भी यूनिक की पास करनी होती है। इन शॉर्ट, क्लास थ्री नहीं, उससे क्या मतलब? नहीं ऐसा नहीं, वो वैसे ही आपका वी एस कोड फिर दोबारा ओपन करना पड़ता है ना वी एस कोड में, जब फोल्डर का नाम ही चेंज। अच्छा जी, ये समझ आया ना आपको? इस बात की समझ शायद आपको, मैं थोड़ा सा इसको ना और डिफरेंट तरीके से समझाता हूँ, फिर आपको पता लगेगा। हम ना क्या करते हैं, किसी और कंपोनेंट में चले जाते हैं, मे बी हेडर में, हीरो सेक्शन में जाते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या करते हैं, मैं कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ, कर्ली ब्रेसेस लगा के मैं लूप चला सकता हूँ ना। तो इस लूप को चाहिए मैप ना, अरे चाहिए, तो मैंने अरे अभी लिख दिया 1 2 3। अब उसके अंदर मैंने चलाने के बाद मैंने क्या किया है कि अरे डॉट मैप, पहले में आइटम आएगी, दूसरे में इंडेक्स आएगा, एरो फंक्शन आएगा, बंद होगा, मैप कंप्लीट होगी उसका, और ये बाहर वाली जो वो है कर्ली ब्रेसेस वो रूट की है। अच्छा, यहाँ पे हमें रिटर्न करनी होती है कोई भी HTML ना, तो उसको हमने ऐसे सेटअप कर दिया, एक P का टैग रिटर्न किया, उसके अंदर की इंडेक्स पास कर दिया और क्लास नेम H3 ऐसे रख दिया, और आइटम के अंदर हमने जो आइटम आई प्रिंट किया, तो पहली दफ़ा क्या प्रिंट होगा, दूसरी दफ़ा, क्योंकि दूसरी दफ़ा आइटम में 2 आएगा, तीसरी दफ़ा 3 प्रिंट होगा। तो अगर हम हेडर में जाएं तो यहाँ 1 2 3 आ रहा है। अब इसकी जगह में मैं ये कर दूँ अली, तो फिर क्या प्रिंट होगा, अली, दूसरी दफ़ा 2, और 2 की जगह पे नवीद कर दूँ तो क्या प्रिंट होगा, तीसरी दफ़ा में मैं यहाँ पे मैं भी उमर कर दूँ तो क्या प्रिंट होगा, अली नवीद उमर। अच्छा, अब रेदर देन मैं ये एक स्ट्रिंग सिर्फ रखूँ, इसको मैं ऑब्जेक्ट बना दूँ और उसमें मैं मे बी ईमेल डाल दूँ, ali@gmail.com, और इसको भी मैं ईमेल कर दूँ एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ईमेल और उसके अंदर, और इसको भी स्ट्रिंग पास करने के बजाय क्या पास कर दें,
ऑब्जेक्ट और उसमें ईमेल पास कर दें। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली प्रिंट तो नहीं कर सकते ना, तो उसमें से वैल्यू रीड करनी होती है। तो ऑब्जेक्ट में से वैल्यू कैसे रीड होती है, डॉट लगा के। तो डॉट लगा के कौन सी वैल्यू हमें चाहिए, ईमेल। अब अगर ये एक की है तो इसमें ज्यादा कीज भी तो डाल सकते हैं ना, और आइटम में वो ज्यादा कीज भी आ जाएंगी, तो उसमें से डॉट डॉट करके जो वाली कौन सी की चाहिए वो हम रीड कर सकते हैं। सही है, तो ये इसका मतलब है हमें यहाँ। अब ये वाली अरे अगर हम यहां से ना पास करें और ये अरे पास कर दें रूट से, तो कर सकते हैं ना। जैसे हमारे पास अब ये एक अरे है ना हमारे पास डाटा की बनी हुई, कहाँ उसका नाम क्या है, ब्लॉक्स डाटा, वो मैंने किया तो वो ऊपर इंपोर्ट हो गया। अब ये हम मुझे एक पूरा ऑब्जेक्ट देगा, लेकिन उसमें ईमेल तो अवेलेबल नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन उसके अंदर टाइटल टेक्स्ट अवेलेबल है। सही है ना, मैं वो लिखूंगा तो ये देखो टेक्स्ट 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 लिखा हुआ आ जाएगा, या उसके अंदर जो है टाइटल अवेलेबल है तो टाइटल लिखूंगा तो टाइटल्स आ जाएंगे सारे। समझ आए, तो प्रोब क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि ये कोई कंपोनेंट थोड़ी है, ये कंपोनेंट तो नहीं है ना। मैं इधर कंपोनेंट कॉल कर सकता हूँ रिटर्न के अंदर, लेकिन मैंने अभी एक ही, चूंकि एक ही चीज प्रिंट करनी थी तो मुझे उसका कंपोनेंट नहीं चाहिए था, तो मैंने उसको यहीं पे कॉल कर दिया पी, या फिर हम पी टैग का एक कंपोनेंट बना के उस कंपोनेंट को इधर कॉल कर लें, उसको फिर प्रॉप चली जाएगी तो वो प्रिंट कर देगा। सही है, तो चूंकि मैंने एक पी टैग इधर ही लगा लिया, मेरे पास कोई कंपोनेंट नहीं था, वो मैंने समझाने की खातिर ही किया ना, तो वो हमने उसको बस वहीं पर प्रिंट कर दिया। अगर ये कोई कंपोनेंट होता तो पहले फिर मैं इसको प्रॉप पास करता और उस कंपोनेंट में जाके उस प्रॉप को प्रिंट करता। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब मुझे बताओ यहाँ से, ये तो हमने वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए किया था। अब ये वाली जो लिस्ट आ रही है इसको भी लूप भी होना चाहिए, क्योंकि ये एक जैसा है और इसकी पिक्चर भी शो नहीं हो रही, और इसका एक क्या बनना चाहिए, कंपोनेंट बनना चाहिए। तो हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट के अंदर उसका नाम क्या रखते हैं, टॉपिक। टॉपिक टॉपिक के अभी हम टॉपिक आइटम कर सकते हैं, उसकी एक आइटम है ना ये टॉपिक है, टॉपिक आइटम, और उसका हम फाइल बना लेते हैं टॉपिक आइटम डॉट जेएस, और उसको हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं। इसके अंदर अब मुझे ये कहाँ से मिलेगा टॉपिक, ये यहाँ पे होगा जहाँ तीन बटन है लगे हुए हैं साइड बार में, यही है ना, एक्सेसिबिलिटी, वेब परफॉर्मेंस, और ये तीनों एक जैसे हैं। तो मैं एक को उठा लेता हूँ यहाँ से, और इसको कहाँ पे ले जाता हूँ, टॉपिक आइटम की इसके अंदर, और यहाँ पे मैं सिंपली ये डेटाबेस कॉल हो रही है। अब ये आइकन क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि हमारे पास ये कोई आइकन एग्जिस्ट नहीं करता होगा, इसलिए नहीं वर्क कर रहा, लेकिन हम ये डेटाबेस और इस तरह की चीज़ों को हम सेट कर सकते हैं। तो सेम अब यहाँ पे हम क्या यूज़ कर देंगे, सॉरी इसको यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे टॉपिक आइटम, और उसको दो दफ़ा, कितनी दफ़ा लगाएंगे, तीन दफ़ा, तो ये तीनों दफ़ा वाली हम रिमूव कर देंगे। अब इसको हमें डाटा, इसको हमें टाइटल पास करना है ना, वेब परफॉर्मेंस। अब हमने इसको कौन सी प्रॉप पास की है, इसको सिंपल, अब हमने ऑब्जेक्ट पास नहीं किया क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तो वैल्यू थी, अगर दो होती तो फिर ऑब्जेक्ट देते बाकी चीज़ें, अभी एक वैल्यू थी वो हमने ऐसे ही पास कर दी। इसकी जगह पे अब हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रॉप्स डॉट टाइटल, और ये यहाँ पे हमें क्या इम्पोर्ट होगी, प्रॉप्स। तो ये तीन हमें आ गई हैं फिर भी शो हो रही हैं, हालांकि हमने इसको अपडेट किया। अब एक और अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना है, बस इसको एक दफ़ा और कॉल करना है तो और आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह ये टैग्स हैं, अब ये टैग को भी हमें क्या करना चाहिए, कंपोनेंट। अब रहते थे ना, अब ये भी डुप्लीकेट है, इसकी जगह भी हमें क्या करना चाहिए, इसका एक जेसन बना के, डाटा बना के उस पर क्या कर देना चाहिए, मैप लगा देना चाहिए, ताकि ये भी रिपोर्ट ना,
लेकिन ये टैग्स का तो इटसेल्फ हमें करना ही चाहिए, ताकि ये मल्टीपल टैग्स हैं तो उसका एक सेपरेट हो सेटअप ना, ये सारे टैग्स आ रहे हैं तो इनको इधर लूप करने के बजाय हम इसका डाटा बना लेते हैं। तो ब्लॉक के अंदर जाके जिधर हमने ब्लॉक का डाटा बनाया है कांस्टेंट में, एंड पे हम इसका भी डाटा बना लेते हैं, एक्सपोर्ट कांस्टेंट टैग्स एक रे बना देते हैं, वो सारे उसने रीड कर लिए हैं टैग्स। तो अब मेरे पास ये टैग्स आ गए हैं, तो हम क्या करते हैं सिंपली यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन में इन टैग्स को ख़त्म करते हैं, एक टैग रख लेते हैं ना बाकी ख़त्म, ताकि उसको हम मैप लूप में ले आए। हम यहाँ पे मैप का लूप बनाएंगे और वो कैसे लगाएंगे, ब्लॉग डाटा डॉट मैप, और इसको सिंपली यहाँ पे रिटर्न भी करना है ना, रिटर्न करेंगे ये वाला बटन इसके अंदर रिटर्न कर देंगे। अब इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, सर ये ब्लॉग डाटा नहीं है, ये क्या है टैग्स। तो टैग के अंदर हमने इसको ये आइटम ही सीधा प्रिंट होगी क्योंकि कोई की तो नहीं है उसमें, ऐसे ही है ना। तो ये पता नहीं एक्स्ट्रा है या कम है, एक और ख़त्म ना कर दियो हमने, नहीं हाँ हाँ एक और ब्रैकेट आनी है और उससे पहले वो होना। तो अब हमने यहाँ पे क्या पास करना है आइटम, तो ये सारे टैग्स आ गए। अब मुझे टैग्स इंक्रीज करने हुए कभी तो सिंपली हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, वो वहाँ से रीड कर रहा है सारे टॉपिक्स को और यहाँ पे आके इस टैग्स के रे में मुझे मिल रहा है वन बाय वन आइटम और वो बटन डुप्लीकेट होता जा रहा है। रहते थे इसके मैं कोड डुप्लीकेट करता, मैंने उसको क्या कर दिया लूपिंग कर दी। अच्छा इसका कंपोनेंट हमें इसका लैदर से कंपोनेंट बनाना चाहिए टेक्निकली, तो क्योंकि हो सकता है कि ये इस तरह की चीज़ हमें बाद में भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये इसका ना इसका एक कंपोनेंट बन सकता है सेपरेट। तो ये भी तकरीबन उसी जैसा है लेकिन इसके अंदर जो है वो ये आ रहा है, ये दोनों तकरीबन एक जैसे हैं ना, तो इनका एक कंपोनेंट बना लेना चाहिए हमें। उसका क्या नाम रखेंगे हम, इसका नाम रख देते हैं कार्ड, साइड कार्ड ना, ठीक है। साइड कार्ड के अंदर आके फिर साइड कार्ड डॉट जेएस और उसको हम उसकी एचटीएमएल उठा लेते हैं ये साइड कार्ड की, जैसे ये लेट स्टॉक है और न्यूज़ लेटर है, तो ये लेट स्टॉक आ रहा है यहाँ से, ऐसे ही है ना। तो ये सिंपली सारी हम एचटीएमएल उठा के इधर पेस्ट कर लेते हैं उसकी, और यहाँ पे उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं साइड कार्ड, और ये इसको हमने दो दफ़ा कॉपी करना है, और ये वाला हम सारा न्यूज़ लेटर वगैरह रिमूव कर देते हैं क्योंकि दो दफ़ा लेट स्टॉक आ रहा है। लेकिन एक मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, फिर लेट स्टॉक का डाटा बनाना पड़ेगा जिसमें क्या क्या होगा, टाइटल होगा और डिस्क्रिप्शन होगी। तो हम इसका डाटा बना लेते हैं, किधर बनाएं डाटा, इसका कांस्टेंट में बुला लें, ब्लॉग डिक्शन में इसको बना लेते हैं एक्सपोर्ट। इसका डाटा क्या बनाएं हम, कांस्टेंट कार्ड कंटेंट टाइटल लेट स्टॉक और टैक्स, तो सेम इसको हम कॉपी करके गेट इन टच वाला बन गया। अब ये कार्ड कंटेंट पे हम इसको पे क्या लगा लेंगे,
इस साइड कार्ड पे मैप लगाएं, कैसे लगाएं? साइड कार्ड आर्डर नहीं, कार्ड कंटेंट डॉट मैप, फिर आइटम और इंडेक्स, और इसके अंदर आगे रिटर्न, और क्या कर देंगे, ये साइड कार्ड पास करना है ना इसके जगह, कार्ड की जगह, और ये जो है अब ख़त्म हो जाएगा। अब इस पर डाटा आ रहा है, प्रॉप्स में क्या आ रहा है मेरे पास, डाटा, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे फिर, प्रॉप्स डॉट डाटा डॉट क्या टाइटल, और इसमें तो ये देखो यहाँ पे अब सर्वर क्योंकि बंद हो गया, क्योंकि मेरा VS कोड बंद हो गया था। वो तो CSS से होगी ना, ग्रिड तो बनाना ही है ना कि किसको साइड पे रखना है, किसको लेफ्ट पे रखना है, किसको राइट पे रखना है। नहीं, लूप हमेशा एक ग्रिड के अंदर लगाते होते हैं ना, लाइक हमने ये एक बना लिया है सारा लेआउट, अब उसके अंदर कोई चीज़ रिपीट हो रही है, उस रिपीटिंग वाले पोर्शन पे लूप लगाएंगे। जैसे हमने एक टेबल बना ली है, अब उस टेबल पे हम जाके चीज़ें करेंगे ना। अब हम ये चीज़ मैं आपको कॉन्टेक्ट पे दिखाता हूँ कि कॉन्टेक्ट पे हम जाएं, अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना, खाली पेज आ रहा है, तो उसके अंदर हम एक टेबल बनाते हैं, स्टूडेंट या कंटेंट इंफॉर्मेशन सब लोगों की टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम कॉन्टेक्ट पेज पे जाएंगे, तो पेजेस में कॉन्टेक्ट अभी ये खाली आ रहा था, तो इधर हम लगा देते हैं एक अदद टेबल। अच्छा, उसमें हम जो है ना वो इसको बोलते हैं कि हमें वो करो, टेबल में रो आएगी। अच्छा, वो समझने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा, तो कोई बात नहीं, हम इसको बताते हैं। यहाँ पे नेम आएगा, नेम आएगा, अच्छा अब यहाँ पे नेम, ईमेल और मैसेज आ रहा है, ऐसे ही है। अब थोड़ी सी CSS भी प्ले करनी चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, स्टाइल डॉट समथिंग हमने बनाया हुआ है, इसी में लिख ले लेते हैं कहीं ऊपर नीचे, यहाँ पे टेबल को टारगेट करके अच्छा ये बन गया। अब इसका हमने करना है, इसमें डाटा ऐड करना है। अब अगर हम कॉन्टेक्ट में जाएं और एक और TR बनाएं, इसलिए मेरे ख्याल से AI कंफ्यूज हो रही है, हमने इसको ना TH करना चाहिए था, ताकि उसको समझ आती है कि ये हेडिंग है, तो मैंने इसके अकॉर्डिंगली चीज़ें बनानी है। ये डिटेल आ रही है। अब इसी को अगर मैं हमारे पास ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, अब आप ये बताओ हमें लूप कहाँ से शुरू करना है, ये टेबल के अंदर हम किस पोजीशन से लूप शुरू करेंगे, टेबल हेडिंग से, क्या हमने इसको रिपीट करना है, तो फिर कहां से शुरू करेंगे, TD वाली इस वाली TR पे लूप चलाएंगे, ऊपर वाली TR एक खाली रहने देंगे, लाइक जिस चीज को लूप करना है उस चीज को हमने खुद से फिगर आउट करना है कि किसको लूप करना है। तो अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट में जाके कोड डाटा बनाते हैं,
सही है, ये मैंने एक कांस्टेंट में कॉन्टैक्ट इन्फो के नाम से मैंने डिटेल डाल दी। अब ये मैंने अब लूप करना है, तो इसको कहाँ पे करूँगा, इस वाली टी आर के ऊपर। तो ये नीचे वाली टी आर से पहले हम लगाएंगे कॉन्टैक्ट्स डॉट मैप, और हम फिर उसको इसके अंदर हम रिटर्न लगाएंगे, और रिटर्न में ये वाली पूरी टी आर जो है वो रिटर्न में डाल देंगे, और नेम की जगह पे क्या लगाएंगे, आइटम डॉट नेम, और ईमेल की जगह पे आ गए। अब जितने उधर से कॉपी करते जाएंगे उतने यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। तो आइडिया ये है कि हमने किस चीज़ को लूप करना है, ये हमने फिगर आउट करना है। अगर हम लूप शुरू से चला देते तो ये ईमेल मैसेज वाली भी बार बार रिपीट हो जाती, समझ रहे हैं? तो उसको हमने रिपीट नहीं करना था, उसको हमने ऊपर छोड़ दिया और नीचे वाली चीज़ को रिपीट किया, लूप कर दिया। तो ये आपने इसको जो है फिगर आउट करना है। जो ये असाइनमेंट मैंने दी थी इसमें डिज़ाइन के इश्यूज हैं कुछ, जैसे फॉन्ट्स वगैरह थोड़े बहुत डिज़ाइन ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि उसने थीम का कोई लॉजिक लगाई हुई थी। तो आप लोगों ने वो मैन्युअली सीएसएस लगा के ना, तो कोशिश करना है कि जैसा जो है ना वो बन जाए, सही है? तो ये काफ़ी हद तक मैंने होम पेज बना तो दिया था, लेकिन कुछ जो छोटे छोटे ट्वीक्स हैं वो सीधे किए जा सकते हैं और इसको प्रॉपर बनाया जा सकता है। अब ये वाला जो बटन है ये भी तो चेंज करना चाहिए ना, इधर बटन हमने बनाया हुआ है तो वही आ जाएगा। ये हमने कहाँ पे लगाया वाला, ब्लॉग सेक्शन में, ब्लॉग सेक्शन में आ रहा है लोड मोर का बटन, ये तो इस बटन की जगह पे क्या आएगा, बटन का कंपोनेंट वो हमने पहले से बनाया हुआ है। तो इस तरह और भी चीज़ें यानी कि आप करके, मेन हमारा आइडिया ये था कि आप लोगों को समझ आए कि किस चीज़ को कंपोनेंट बनाना है, किस चीज़ को पेज बनाना है, कहाँ पे सेक्शन कॉल हो रहे हैं, क्या सीक्वेंस बन रही है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। जब आपके पास वेबसाइट आएगी, सबसे पहले आपने उसमें से आपने एक वेबसाइट बनानी है, तो सबसे पहले हम उसमें क्या फिगर आउट करेंगे, ये एक वेबसाइट आप बना रहे हो, सबसे पहले उसमें कितने पेजेस हैं, तीन पेजेस हैं तो आप ऐसे तीन पेजेस के अंदर इस तरह के तीन पेजेस बना लेंगे। फिर उसके अंदर हर पेज के अंदर जो सेक्शन है वो भी एक क्या होगा, कंपोनेंट होगा। तो इसमें दो अगर सेक्शन है दो कंपोनेंट हो गए, इसमें तीन है तो तीन कंपोनेंट बन गए, हर पेज के कंपोनेंट हो गए। अच्छा, कोई बड़ा कंपोनेंट हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है। अच्छा, किसी में एक ही कंपोनेंट है तो वो एक ही आएगा, बाकी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट भी चल सकती हैं। तो वो ऐसे डायरेक्ट चीज़ें भी हम लगा सकते हैं। तो यानी कि हर चीज़ कंपोनेंट होगी, यहाँ पे कोई हेडिंग आ रही है वो डायरेक्ट चल जाए बगैर कंपोनेंट के, यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है कोई हेडिंग आ रही है वो भी ऐसे चल जाए, कोई बटन आ रहा है उसका कंपोनेंट लग जाए। तो ये सारे कंपोनेंट हैं, ये पेजेस हैं और ये हमारी मेन वेबसाइट है। अब हमारा फ्लो क्या होता है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो कहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहले हम सोर्स के अंदर पेजेस का फोल्डर बनाते हैं, उसमें जितने पेजेस हैं वो बना लेते हैं। फिर कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाते हैं, उसमें सारे कंपोनेंट्स बना लेते हैं। सारे कंपोनेंट कहाँ पे यूज़ होते हैं, पेजेस के अंदर, और कुछ कंपोनेंट के अंदर, जैसे ब्लॉग के सेक्शन के अंदर हमने कार्ड को यूज़ किया, बटन को यूज़ किया, एक कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट यूज़ हो सकते हैं। फिर सारे पेजेस कहाँ पे आते हैं, नेविगेशन में, राउटिंग परफॉर्म होती है। फिर नेविगेशन कहाँ कॉल होती है, तो ऐप डॉट जस्ट नेविगेशन होती है, बाकी सारी चीज़ें नेविगेशन में सारे पेजेस, और सारे पेजेस के आगे फिर कंपोनेंट, और कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट कॉल हो रहे होते हैं। ये हम सिंटैक्स फॉलो करेंगे। तो इसको फॉलो करके आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ जो मैंने असाइनमेंट नंबर 16-17 दी है, आपको पता है ना वो कहाँ पे है, गिटहब के ऊपर
सेट फॉरवर्ड से WMA B07 यहाँ पे है। तो इस तरह असाइनमेंट्स में जाएंगे तो आपको सारी असाइनमेंट मिल जाएंगी। तो ये 16-17 वाली असाइनमेंट भी मैंने इसमें डाल दी हुई है। ये सारा कोड उसको आपने रिप्लेस करना है। और ये जो कोड है वो आपको कहाँ से मिलेगा, जो मैंने आपको सेंड किया HTML to React.js में, ये सारी कोड पड़ा है उसका। अच्छा, अब डिप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, सिंपली npm run build। क्या करना है, npm run build, ये build बन जाएगा। यहाँ पे एक build का फोल्डर आपके पास नज़र आ जाएगा। इस build के फोल्डर के अंदर आप जाके सर्च पे डिप्लाई कर दें, जिस तरह हमने सर्च पे डिप्लाई करना सीखा था ना, इसमें एक index.html बनेगी, वो सर्च पे डिप्लाई हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अच्छा सर्च पे करने की कोशिश करें थे, हमने सर्च पे लिखा, मेरे पास अगर लॉगिन हुआ तो इसको हम ऐसे डिप्लाई कर देते हैं। ये सारी फाइल्स बन रही हैं, बिल्ड के फोल्डर में जाके तुमने किया था ना सर्च। बिल्ड का फोल्डर ही नहीं बन रहा, हाँ मैंने अब किया डिप्लाई, तो देखते हैं होगा या नहीं। आगे सही है, सारा कुछ आ गया। तो कैसे किया मैंने, दोबारा कौन रिपीट करेगा, क्लास 03 के अंदर आगे क्या करना है, npm run build, फिर बिल्ड के फोल्डर में जाके सर्च लिखना है, तो वो बस रिप्लाई हो जाएगा, URL आ जाएगा। इजी है ना, तो सर्च के फोल्डर में जाके, सॉरी बिल्ड के फोल्डर में जाके क्या लिखना है, सर्च, जो वो रिप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पेजेस में आपस में लिंक कैसे करना है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी बस लहदा लहदा ऊपर से हिट करके चले जाएंगे। सारी फाइलें पुश करनी है, बस नोड मॉड्यूल नहीं करना, क्योंकि नोड मॉड्यूल देखो ना बहुत ज़्यादा है, 900-800, वो तो अपलोड ही नहीं होंगे। तो गिट इग्नोर में हम नोड मॉड्यूल को इग्नोर कर देते हैं, बाकी सारा कुछ अपलोड कर देंगे। नोड मॉड्यूल भी करते हैं, बिल्ड का फोल्डर भी करते हैं। ये बिल्ड का फोल्डर पहले से, जब क्रिएट रिएक्ट टैग्स करते हैं ना तो उसमें गिट इग्नोर आ जाती है, तो उसमें बिल्ड और नोड मॉड्यूल वगैरह पहले से रिमूव होता है। तो जब आप गिट ऐड कमिट करेंगे तो उसमें नहीं जाएगा ये। तो अब इस वीक की दोनों असाइनमेंट, जो पोर्टफोलियो वाली असाइनमेंट है 16, और ये दोनों प्रॉपर पेजेस प्रॉपर कंपोनेंट के साथ बना के अपलोड करके असाइनमेंट सबमिट करनी है, सही है। तो जो नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट करके नहीं आएगा तो उसका फिर कुछ बंदोबस्त करेंगे।